मतलब फॉरेस्ट वाले मारे फीमेल को, बाद में पता चला कि वही मारे फॉरेस्ट वाले। अच्छा, तो उनके ऊपर एक्शन नहीं हुआ फिर? कुछ भी नहीं हुआ। क्या होता है ना लाइफ में ना, कुछ प्लान बनाने में बहुत वक्त लग जाता है और कुछ प्लान यूँ ही चुटकी में बन जाते हैं। ये प्लान भी कुछ ऐसा ही है। तो इन शॉर्ट मैं आपको बता देता हूँ कि आज हम बादाम कट जाने वाले हैं। लेट नाइट निकलने का प्लान है 11:30, और कल सुबह मॉर्निंग सफारी अटेंड करने का प्लान है। उसके आगे का कोई भी प्लान फिक्स नहीं है। आगे का प्लान आप इस वीडियो में देख लो। एनीवेज, वेलकम बैक टू द चैनल गाइस। We have just done 100 kilometers. Still around 70 kilometers left for Bandhavgarh. तो अभी बज रहा है तकरीबन 2 के आसपास। मोस्ट प्रोबेबली 3:15 तक पहुँच जाएंगे। Let's see. हिरण है क्या? उसको दे दो। साइड दे दो। साइड दे दो। सो वी हैव जस्ट रीच्ड टू बांधवगढ़। मैं आपको प्रॉपर्टी दिखाता हूँ कि सबसे पहले वो देखो, जस्ट अभी पहुँचे हैं। अभी अराउंड 4:15 हो रहा है, सफारी का टाइम है 6:15। सो अभी सबसे पहला काम ये है कि ऑलरेडी बुकिंग तो हो गई थी, बस अभी गाड़ी बुक करनी है सफारी, तो वो कंप्लीट करते हैं। अभी 5 बजे सुबह उठकर बांधवगढ़ के जो ताला वाला जो मेन गेट है वहाँ पर जाकर सफारी बुक करनी पड़ेगी। उसके बाद 6:15 पे वो सफारी हमें लेने आएगी और फिर हम लोग पार्क में एंटर करेंगे। तो जो हमारा पार्क का टाइमिंग है ना वो है 6:15 to 11:15। और अभी मतलब इतना टाइम है तो ऑब्वियसली जानवर तो देखने मिलेंगे, मेन है कि टाइगर देखने मिले। हमारा जो चेक इन का टाइम था ना वो भी बहुत ज़्यादा ऑड था। अभी सुबह के 4 बजे हमने चेक इन किया और फिलहाल प्लान एक्चुअली कुछ था नहीं कि रुकेंगे, बट अभी ये प्रॉपर्टी देख के ना आप खुद देखो, इतनी ब्यूटीफुल प्रॉपर्टी है। अगर ये अभी इतनी सुंदर लग रही सुबह कितनी अच्छी लगेगी। तो मन बन रहा है कि रुकने, फिलहाल तो 6:30 वाली सफारी अटेंड करते हैं, उसके बाद सोचते हैं अगर प्लान बना है, अगर फिर से इवनिंग सफारी या नेक्स्ट डे मॉर्निंग सफारी करने का प्लान बना तो फिर रुकेंगे डिफरेंट। एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा ठंडी है यहाँ पर, लगा नहीं था इतनी ठंडी होगी, लेकिन हाँ मुझे डबल जैकेट पहननी पड़ रही है। तो रात का टाइम है और ऊपर से ये एरिया हमेशा से ही ऐसा रहा, तो यहाँ का टेम्परेचर हमें हमेशा बहुत कम ही रहता है। मुझे यहाँ पे ना तेज़ व्लॉग करने का भी मन नहीं कर रहा, क्योंकि आजू बाजू रूम्स हैं वो लोग डिस्टर्ब होंगे। मैं काम करता हूँ, चाय वाय पीते हैं और सफारी करते हैं, तो आपको ना सीधे पार्क की गेट पे मिलते हैं। वैसे जो सफारी है ना वो हमारी आ चुकी है। एक बहुत बड़ी स्टूपिडिटी हो गई, ये जो हमारा परमिट हमने बनवाया था, हमने 3 तारीख का बनवाया था, लेकिन जिसने बनाया ना उसने 4 तारीख का बना दिया। अभी फिर से परमिट इशू कराया, और हालांकि टाइमिंग हम लोग था 6:15, बट अब लेट हो गए, अराउंड 6:30 हो गया। नो इशू, गाड़ी आ गई सफारी, तो अभी सीधे चलते हैं अपन पार्क के अंदर। भाई गाड़ी आ चुकी है। हम लोग मगदी जोन पहुंच चुके हैं। बेसिकली यहाँ पे 3 जोन है, खिटौली, मगदी और ताला। अवेलेबिलिटी सबसे ज़्यादा टाइगर देखने की मगदी में रहती है। फोटो लेना होगा बता दीजिएगा।
भाई की हालत देख के समझ में आ रहा है कितनी ज़्यादा ठंडी है। फिर ढूंढने निकले थे, एक हिरन नहीं दिख रहा। तो जैसे ही आप लोग को पता है परमिट के कारण ऑलरेडी एक घंटा लेट हो गए थे। तो अभी प्लान ही हुआ है कि डियर के सच में नहीं रहेंगे, डियर वगैरह के चक्कर में नहीं रुकेंगे, सीधे टाइगर देखेंगे। तो अभी पग मार्क स्पॉट किए हैं टाइगर के, अकॉर्डिंग टू अवर गाइड्स शायद इसी रास्ते पे गए। बहुत ज़्यादा बड़े पंजे हैं, मेल तो 200-300 किलो के होते होंगे आराम से। अच्छा, कितना सुंदर लग रहा है यार। काड़ी पानी में कहाँ टुकड़ा लेंगे वो शंभू अरे। स्पॉटेड डियर है। नहीं भाई, थोड़ा सा अच्छा भी है, हिस्टोरिकल प्लेस है आपका, विष्णु स्टैचू है, 32 पहाड़ियाँ हैं, इससे पता चल जाएगा सर। अभी बाहर पता चल जाएगा, बाहर आप जैसे जाएंगे तो मोबाइल से वायरल करते हैं ना कि यहाँ टाइगर दिखा, इतने दिखे इतने दिखे, तो होटल वालों को सब पता होगा। तो अभी दिखे तो मतलब शाम को भी चांसेस हैं। अभी मैं गेट में पूछ लेता हूँ, गाड़ियाँ निकली होंगी। हाँ। तो मैं पूछ लेता हूँ गेट में खड़ी करके गाड़ी कि साइकिल हुई कि नहीं हुई, कितौली तो अपन को यहीं पता चल जाएगा। अभी जैसे निकलेंगे अपन बाहर। हाँ। तो गेट पड़ेगा, गेट में मैं उससे गेट वाले से पूछ लूँगा, वो साइकिल लिखते हैं ना जैसे दिखता है। हाँ। तो रजिस्टर में साइकिल लिखते हैं, उससे पता चल जाएगा ताला का, वहीं से पता चल जाएगा ताला से, होटल से। चार्जर पॉइंट है, उसकी समाधि है, वो सफ़ेद चबूतरा दिख रहा है पेड़ों के पीछे। हाँ। वो वहाँ पे इसकी समाधि है, मतलब यहाँ पे चार्जर की, यहाँ पे चार्जर और सीता थे ना जी, उन्हीं का जनरेशन है पूरा। हाँ। 29 सितंबर 2000 को ख़त्म हो गया है, इसी में इंक्लोजर बनाकर रखे थे करीब एक महीने लास्ट में, और सबसे ये इसका लिखा हुआ जी, ये चार्जर के बारे में। तो 18.5 साल का होके मरा है, मतलब सबसे लॉन्ग लाइफ इसकी है चार्जर की। अभी इस साल मरा है क्या? है? इस साल मरा है 29 सितंबर 2000 को, 20 अच्छा, साल पहले। हाँ, 20 साल पहले ना, कि बहुत पुरानी कहानी। हाँ, है। तो और चार्जर और सीता थी ना जी, सीता का कोचिंग हो गया था। हाँ। और चार्जर का नेचुरल डेथ हुआ था, कोचिंग करने वाले आपके यही मिल्लू झल्लू थे बरवासुर वाले, शिकार कर लेना, शिकार हो गया कर लिए। अच्छा, यही आपके बडेरी के एक ठाकुर था एक साहू था, पकड़ भी गए थे, 6-7 साल जेल काटे हैं। हालांकि वो ले कुछ नहीं जा पाए थे, बाकी फेमस के कारण मरवा दिए और मार के गड़वा दिए थे, ना नाखून ले गए, ना दांत ले गए, ना चमड़े ले गए, कुछ नहीं ले गए, केवल मार भर दिए। मॉर्निंग सफारी में तो बहुत हार्ड लगता, एक भी टाइगर देखने नहीं मिला, लेकिन हम हार नहीं मानेंगे। हम लोग ने इवनिंग सफारी भी की है, मतलब मैं अकेला जा रहा हूँ इस बार। हमारा टाइमिंग है 3:45 से 6:45 बजे तक, और अभी हम लोग ने जो रूट चूज़ किया था वो था मगदी बटनाव ताला चूज़ किया, क्योंकि आज सुबह से टाइगर किसी को भी नहीं दिखा मगदी में, ताला में स्पॉट हुआ था, तो ताला चूज़ किया है। और अभी इवनिंग सफारी करते हैं, होपफुली इस बार देखने मिल जाए। क्या बता भैया उन्होंने? वो तो सुबह दिखा था एक दो गाड़ियों को। हाँ। गाड़ी जाते यहाँ आई थी नहीं, 3 गाड़ी तो रही ताला में सुबह। हाँ। तो बंदे ही में दिखी थी फीमेल,
फीमेल दिखी तो उन्होंने बताया कि कहाँ पे मिली, वो तो मेरे को पता था पहले। हाँ हाँ, तो उधर ही चल रहे हैं अपन अभी। अपन सोच रहे थे ग्राउंड लगा के चलें कि इधर ही चले सीधे जहाँ पे मैक्सिमम पॉसिबिलिटी हो। हाँ तो सीधा दिखा था तो हम चलते हैं डायरेक्ट। ठीक है, है ना, इंतजार कर लेंगे। हाँ और क्या। हाँ अभी नए बच्चे देखे गए हैं ना अभी दो दिन हुए, ये जो गोपालपुर तालाब है यही फीमेल तीन बच्चे दिखे नए बच्चे अभी। अच्छा, और एक स्पोर्टी के तीन बच्चे। हाँ स्पोर्टी ना। हाँ स्पोर्टी वाला आज नहीं दिखे। 11 महीने, एक एक साल के बच्चे ना। साल से कम ही के, 8-8 महीने के होंगे। अच्छा, 8-9 महीने तो वो वाले सुबह दिखे नहीं है और बन गए भी दिखी है सुबह हमें। हाँ दिखा था ये रोड में, यहाँ से रुक गया, यहाँ यहाँ से फिर आगे गए। अपन उसी रूट को फॉलो करेंगे अपन। हाँ अपन घोड़े में लोग चलेंगे गोपालपुर चेक करते हुए। अच्छा शायद गोपालपुर फीमेल बच्चे वाले सब कर रहे हैं। उसके चार बच्चे थे पहले फर्स्ट लेटर। हाँ चारों बच्चे को मार दिए थे मेल टाइगर। अच्छा वो मेल जो हुआ सेकंड लेटर। हाँ हाँ अभी ये दूसरे बच्चे हैं इसके, दूसरे स्पॉटी। हाँ अभी भी कहते हैं दो दिन, उसके बाद कल शिकार उकार कर ली गाय हुए फिल किए। हाँ कल नहीं दिख रहा, दो दिन नहीं दिख रहा। आज सुबह जो स्पॉट हुई थी वो कौन सी? बंदेई। बंदेई बंदेई की मेल कजरी होगी। हाँ हाँ जगह का नाम है। अच्छा वहीं स्पॉट हुई तो वहीं चलते हैं, वहीं चलते हैं अपन। चाहे घोड़े मतलब चलेंगे चले धारा के बच्चे अच्छे कहीं मिल जाते हैं कहीं कौन से हो गए मंदिर खटौली मतलब तालाब ही जितने भी रूट है उसमें अपन एंटर कर सकते हैं। जा सकते हैं जो खुले हुए रूट हैं और ये कुछ बंद है इनमें नहीं जा सकते। ये बंद क्यों है? ये बहुत पहले से बंद है। यहाँ पे एक झोरा करके जगह का नाम है। हाँ हाँ वहाँ एक फीमेल रहती है। हाँ तीन बच्चे थे। अच्छा और वो फीमेल मर गई थी, खत्म हो गई। हाँ कोई गाड़ी वाला ठोकर मार दिया था मतलब फॉरेस्ट वाले मारे फीमेल को, बाद में पता चला कि वही मार फॉरेस्ट वाले। अच्छा तो उनके ऊपर एक्शन नहीं हुआ फिर? कुछ भी नहीं हुआ। और बच्चों को क्या हुआ? बच्चों की वही क्लोजर में रखे थे, बाद छोड़ा दूसरी जगह रखी कहीं और चले गए। ये पिकॉक के भी पंख हड़ताल झड़ते फिर नए उगता। ये जो सामने पहाड़ी है ना वह मंदिर दिख रहा है। हाँ हाँ इसी पहाड़ी के नाम तो बांधवगढ़, बांधवगढ़ का किला है ना ऊपर। हाँ इसके ऊपर किला है, वो भी बंद हो गया अब जाना, लेकिन वो भी बंद है। और 12 तालाब है इसके ऊपर, काफी बड़े बड़े हैं। और मंदिर में जो है मेला लगता है साल में 2 बार। अब वो बंद हो गया कि अभी भी चालू? चालू है अभी भी। हम लोग लास्ट पर ये है कि अभी ये चल रहा था ना क्या आपका लॉकडाउन वाला, हाँ हाँ तो इसमें क्या है बंद रहा। ये तालाब में साइटिंग हुई है, गोपालपुर तालाब है। क्या नाम है इस तालाब का? गोपालपुर तालाब। गोपालपुर इसका जो है ना एक ग्रीन है अभी एलगी, और धूप पड़ते तो रेड हो जाता है। अच्छा अच्छा छान ग्रीन हो जाता है। बड़ा आ गया सांभटियर मेल है। मेल सांभट एडल्ट है नहीं तो? हाँ बड़ा ही हो गया है। क्या फुल साइज का है, इससे और बड़े होते हैं। अरे बड़े बिल्कुल हिल नहीं रहा, हम टाइगर नहीं है, हम तो देखने आए हैं बस। ये क्या है स्टैचू बन जाते हैं बिल्कुल, इससे होता है कि वो सोचेंगे कि हम पत्थर है। यहाँ गाँव के सैनिक रुक करते थे, यहाँ पे रुक करके छुपते थे सैनिक, रुकते थे। हाँ जब शिकार करने आते थे। हाँ तो और राजा का कोट ऊपर था और इसका पूरे हंड्रेड प्लस था शिकार का। हाँ और गेट वेट लगा दी कोई जानवर अंदर जाए।
ये टोटल पहाड़ी एरिया रहेगा। ये वाली जगह जो टॉप में सनसेट पॉइंट और सनराइज पॉइंट दोनों हैं। यहाँ से सनसेट और सनराइज दोनों? हाँ, सनसेट पीछे होता है, सनराइज आगे से। वो बनैनी है और ये बांधवगढ़ है, ये मेल है, वो वाले फीमेल है। अच्छा, 32 पहाड़ी हैं यहाँ, जिसमें सबसे बड़ी पहाड़ी ये है तो बनैनी है। इन सभी में वॉच टावर बना हुआ है, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के आदमी रहते हैं, हमेशा रहते हैं। हाँ, कहीं आग वग लगती है, कोई आदमी घूम रहा पैदल या कुछ भी कर रहा है, तुरंत वायरलेस कर देता है। तो वैसे भी तो कोर एरिया में तो गांव वालों को भी एंट्री नहीं होती होगी ना? नहीं, लेकिन घुस जाते हैं ना सर, पूरा क्या ओपन पार्क है पूरा। हाँ, जहाँ गाँव लगे वहीं मस्त दीवार कर दिए कि फेंसिंग कर दिए, चैन फेंसिंग मार सब। मेल सामान परफेक्ट रहता है। शाम को कॉल करें, मैं अंदर पसंद आएगा। पिछले वो पीछे दिख रहा है अपन। हाँ, आपने कई दवा के लेना, आपने कई काटना, हाँ आपने कई और काटो बस। गाड़ी का दवा दोपहर के ना तो भाई नहीं मिला टाइगर, सेकंड सफारी में भी नहीं मिला, इवनिंग भी घूम ली, मॉर्निंग भी घूम ली। यार किस्मत किस्मत की बात होती है, इस बार किस्मत नहीं चली, एनीवेज अगली बार चलेगी, हर बार नहीं मिलता। सो इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म कर देते हैं अब, है ना? अब वही रूट देखोगे तो बोर हो जाओगे, तो इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दो, कमेंट कर दो, शेयर कर दो, चैनल पर न्यू हो तो सब्सक्राइब कर दो, प्लीज़ कर दो यार। Thank you for watching this video. We'll see you in the next video. Till then, take care. Bye-bye. Feel I'm in the mood for a switch-up. I hit the function, hit the rosé till I hiccup. I hit the stage and leave with money that say sticker. She picture perfect, so I told him I'm a flicker. Feel I'm in the mood for a change-up. I leave the city and return with my change-up.